आप हरियाणा में क्या चैलेंजेस देखते हैं? हरियाणा में ये हाल हो गया है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं। बहुत सारे आपके जो ऐसे गुड माने जाते हैं जो अपना आप लोग चुनाव भी नहीं जीत पाते लेकिन वो दावेदार बनते हैं सीएम। आप लोग बनाते हैं गुटबाजी। तो जो विकास है हरियाणा में वो गुड़गांव से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? 2014 में जी आपको ध्यान, उससे पहले क्या है, हरियाणा में जो एयरपोर्ट था जी, सेकंड एयरपोर्ट यहाँ बनना था, एयरफोर्स से भी हमने क्लियरेंस ले ली थी, वो भी यहाँ से चला गया। रेलवे कोच फैक्ट्री लगनी सोनीपत में, वो भी चली गई। तो यहाँ कोई प्रोग्रेस के नाम की कोई चीज़ नहीं इनके। कांग्रेस की हार से आप क्या चिंतित है? आपको लगता है कि हरियाणा पर भी उसका असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा के साथ साथ जितने जिले हैं राजस्थान में वहाँ सब कांग्रेस जीतती है। नमस्कार, आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हरियाणा में दो बार मुख्यमंत्री रह चुके और हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के आप सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या हम हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो लोग फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी, बाकी दावेदार तो कोई भी बन सकता है। दावेदार पार्टी है, पहले तो हमारे चुनाव हैं, पार्लियामेंट के हैं, असेंबली के हैं, पार्टी की सरकार बनेगी तो फैसला हो जाएगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपको पीछे लेकर चलती हूँ, आपके पिताजी रणबीर सिंह हुड्डा, उनकी छवि, उनको आप कैसे याद करते हैं, फ्रीडम फाइटर के तौर पे जिन्होंने आपको राजनीति के गुर सिखाए, या फिर जब हम बात करते हैं MSP का मुद्दा जो देश में सबसे पहले उठा, या फिर संविधान सभा में जो डिबेट हो रहे थे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर, उसका कुछ हमें कुछ उसके किस्से बताएं। देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे, मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, हिंदुस्तान में कोई और नहीं रहा जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली और राज्यसभा से रिटायर हुए, और 8 जेलों में रहे अपने समय में, फ्रीडम स्ट्रगल में 8 डिफरेंट जेल्स में रहे, 4 आज हिंदुस्तान में, 4 पाकिस्तान में। तो जो आप बात कर रहे हो MSP की, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, जैसे पहले किसान के ऊपर इनकम टैक्स था, वो उन्होंने हटाया, वो उठाया मुद्दा तो इनकम टैक्स हटा, और MSP का उन्होंने 1948 में कहा था ये कि आपको ये फैसला करना पड़ेगा, उचित भाव किसान को देना पड़ेगा, वो 1961 में जी सुब्रमण्यम जी थे शायद मंत्री, और उस टाइम ये फैसला हुआ, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, MSP देना शुरू हुआ। इसी प्रकार से जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, और आपने क्या बताया मुद्दा, हिंदी भाषा की मेरी बात, हिंदी भाषा की तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने जी, तो उसका फैसला होना था, वोटिंग हुई थी जी, और एक वोट से हिंदी भाषा बनी राष्ट्रीय भाषा उस टाइम, और वो भी ज्ञानी जी जो उनके परम मित्र थे, जो ये खड़े हैं जी, ये खड़े जी, ये उनके साथ थे, मेंबर थे, और उन्होंने अंदर लॉबी की घंटी बज चुकी थी, वो अंदर गए हुए थे बाहर से, वहाँ से जबरदस्ती पकड़ के खींच के लाए, वोट डाली, ज्ञानी जी ने दी, तो एक वोट से हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। तो एक वोट लाने में उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने कहा कभी घंटी बज जाएगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे तो वो बाहर ही रह जाएंगे, ये नहीं एक वोट नहीं दे रहे थे, वोट तो सपोर्ट कर रहे थे जी, लेकिन वो बाहर गए हुए थे उस समय, बेल बज चुकी थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है हुड्डा जी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में हरियाणा में, आपसे मैं इकोनॉमी पे बात करना चाहूँगी, हरियाणा की, राज्य पर कर्ज की बात होती है कि हरियाणा में जो इनकम होती है राज्य को, उसका 5वां हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की हम अगर बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो NSSO के आंकड़े अलग कहानी बयां करते हैं कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर बस परफॉर्मर है बेरोजगारी के मामले में। तो आप हरियाणा में क्या चैलेंजेस देखते हैं जिसको एड्रेस नहीं कर पाई पिछले 2 टर्म्स में
खट्टर सरकार। देखिए, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है जी, इनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में, जो कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी होती है, और कर्जा जो 66 में हरियाणा बना था, 66 से लेके 2014 तक कुल कर्ज हरियाणा पे कोई 70,000 करोड़ के करीब था जी, और आज 14 से लेकर अब तक 4,00,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 4,50,000 करोड़ के करीब पहुंच गया वो कर्जा। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इस दौरान 9 साल हो गए इन सरकार को, ना तो 1 इंच कोई रेलवे लाइन नहीं आई है, और जो मेट्रो जहां हम छोड़ के गए थे बल्लभगढ़, ये हमारे समय में आई, गुड़गांव तक हम लेके गए, बहादुरगढ़ तक हम ले गए, एक भी नया पिलर कोई मेट्रो का लगा है, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है। जब ये सरकार बनी 2014 में, तो पहला इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी वो ये किया था कि भी हम कल्पना चावला के नाम से जो मेडिकल कॉलेज करनाल में हमने बना रखा था, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी जी, नाम उन्होंने बदला, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अब तक भी आधी अधूरी पड़ी है जहाँ पे बनाने लगा। इस प्रकार से कोई भी ऐसा अचीवमेंट नज़र नहीं आता। मान लो शिक्षा की बात है जी, शिक्षा पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहते हैं 6% GSDP का खर्च होना चाहिए, लेकिन हार्डली 2% करते हैं। आज 50% से ज़्यादा टीचर्स की पोस्ट खाली हैं, 38,000 तो अकेले जो है JBT की पोस्ट खाली हैं, 14 से लेकर अब तक इन्होंने एक भी JBT भर्ती नहीं किया। इसी प्रकार से डॉक्टर्स की पोस्ट हैं, जो जितने मेडिकल कॉलेज हैं जो हमारे समय में बने, इनके समय में तो कोई बन के तैयार नहीं हुआ, तो जितने सब में 50% से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं। तो ऐसा हो गया है, मतलब वहाँ पे हरियाणा में ये हाल हो गया है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं, वो हड़ताल पर ही बैठे रहते हैं क्योंकि इन्होंने भर्ती कोई नहीं किए। एक और इन्होंने जो बेरोजगारी की बात आपने कही जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, हमारे को इसी बात की वो है, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी जी, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था। आज नंबर एक किस चीज़ में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, और सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो होता है जी, उसको आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। ये मेरी नहीं है, SBI की खबर है। और बेरोजगारी तो यहाँ के मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है लोकसभा में कि जो 2014 में 2.9% बेरोजगारी हरियाणा में जी, आज वो बढ़कर 9% हो गई है, 3 गुना बढ़ गई जी। तो ये बेरोजगारी की आप देख रही हैं हालत हो रही, तो ये स्टेट की जो है किसी हिसाब से भी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट में है, इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है ये, और नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है लॉ एंड ऑर्डर, जिससे स्टेट में किसी राज्य में निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए। आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं कि हरियाणा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं है जिससे निवेश ज़्यादा बढ़े? क्योंकि अगर इनकम इतनी नहीं है, उसको उसका 5वां हिस्सा जो है वो कर्ज रीपे करने में जा रहा है, राज्य पर उससे ज़्यादा जा रहा है, वो तो अब कर्जा तो बहुत हो गया ना, 4.5 लाख करोड़ हो गया, फिगर ठीक नहीं है, 4.5 लाख करोड़ रुपये के करीब कर्जा हो गया है इनका। इंटरनल डेप्ट 2,73,000 कितना करोड़ है, 276 करोड़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पंजाब साथ ही में है, कई एयरपोर्ट हैं पंजाब में, लेकिन हरियाणा में जो ऑपरेशनल सिविल एयरपोर्ट होना चाहिए उसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उद्घाटन क्या, वो 9 साल लगे उसमें जी। ये दो एयरपोर्ट, उड़ान स्कीम तो 2017 में आई थी। नहीं, ये देखिए, 2014 में पहले जब अजीत सिंह जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उस समय हिसार और करनाल के जी, उन्होंने डोमेस्टिक वो मतलब एक्सटेंशन के लिए मंजूर की थी, स्टेप बन जानी चाहिए थी। अब तक कुछ नहीं प्रोग्रेस इनकी। तो जितने भी हरियाणा वाले हैं, अगर उनको इतनी फ्लाइट पकड़नी है तो या तो उन्हें चंडीगढ़ जाना होता होगा, हाँ, या फिर दिल्ली, दिल्ली चंडीगढ़, यही है।
उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें निवेश की, जैसे मैंने आपसे पूछा कि निवेश के लिए क्या, यहाँ 2014 में जी आपको ध्यान, उससे पहले क्या है, हरियाणा में जो एयरपोर्ट था जी, सेकंड एयरपोर्ट यहाँ बनना था जी, एयरफोर्स से भी हमने क्लियरेंस ले ली थी, वो भी यहाँ से चला गया। रेलवे कोच फैक्ट्री लगनी थी सोनीपत में, वो भी चली गई। तो यहाँ कोई प्रोग्रेस के नाम की कोई चीज़ नहीं इनके। इन्होंने एक, मैंने कहा ना इवेंट मैनेजमेंट है, गुड़गांव में किया था इन्होंने एक मैनेजमेंट हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से जी। तो उस समय इन्होंने कहा था 4 या 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आई 10,000 करोड़ की भी। तो जो विकास है हरियाणा में वो गुड़गांव से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? नहीं, ये तो यही बात है ना, जैसे हमने IMT बनाया जी, मानेसर बनाया, एक IMT फरीदाबाद में बनाया हमने, एक IMT खरकौदे में बनाया हमने, एक IMT हमने रोहतक में बनाया, और जो कोच फैक्ट्री वो सोनीपत में लगनी थी, साहा में हमने एक्सटेंशन की इंडस्ट्रियल एरिया की। इस प्रकार से एक जो है जींद और गुहाना के बीच में वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होना था, इन्हें क्या है, कुछ नहीं, IMT पड़ी है, खाली पड़ी है। तो निवेश नहीं आ रहा, तो अगर निवेश नहीं आएगा आय कहाँ से बढ़ेगी? फैक्ट अगर जो इंडस्ट्री है वो अगर आके हरियाणा में अपने यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो कहाँ से? नहीं नहीं, अब निवेश बढ़ने की तो बात छोड़ो, आप जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ी है वो इस वजह से भी है कि फरीदाबाद में जैसे है जी, छोटे छोटे इंडस्ट्री सब पलायन कर गई जी। और अगर हम जैसे एक बड़ा विजन लेकर चलते हैं, कोई भी सरकार होती है कि हमें अगर राज्य की आय बढ़ानी है या उसमें स्किल डेवलपमेंट करना है या युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ खोलने हैं ताकि स्किल लेबर तैयार हो और जब यूनिट्स बने इंडस्ट्री आए तो उसके पास हायर करने के लिए ऐसे लोग हों जो कि तैयार लेबर हो, स्किल्ड लेबर हो, तो क्या वो भी एक कमी आपको लगती है जिसकी वजह से नहीं आती हैं इंडस्ट्रीज़? देखिए अब जो है जहाँ तक एजुकेशन है जी, 2014 तक एजुकेशन हब बन चुका था, उससे पहले 2005 में हमारी सरकार बनी, उससे पहले हमारे बच्चों को अगर इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती थी तो कोई बेंगलोर जाता था, कोई महाराष्ट्र जाता था जी। लेकिन 2005 और 2014 के बीच में इंस्टीट्यूट खोले, आप किसी कोई भी इंस्टीट्यूट लो, पूरे हरियाणा जो कह रहे हो ना, आप पूरे हरियाणा के बताता हूँ, पंचकुला में फैशन टेक्नोलॉजी, और आपका कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एक अहमदाबाद में, दूसरा वहाँ पर है, फिर वहाँ से करनाल आओ, वहाँ कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज, फिर आप सोनीपत आओ, वहाँ भगत फूल सिंह के नाम से वुमन यूनिवर्सिटी, वुमन मेडिकल कॉलेज, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आपका IIT मतलब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, और SRM यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी आई हैं, एक हब बना, और जहां हम छोड़ गए थे वहीं नई नई कोई बात नहीं। फिर वहां से आप आ जाओ फरीदाबाद में, वहां मेडिकल कॉलेज, YMCA जो था एक इंस्टीट्यूट, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। गुड़गांव जाओ आप, देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा, वो वैसे ही पढ़ा है। मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम जब हुआ, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें सब मेडिकल कॉलेज भी बनना था, लॉ कॉलेज भी बनना था, वो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर हुई। और आप झज्जर आ जाओ, वहाँ पर एम्स, और रोहतक में IIM, हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से जो हमारे समय बनी, पहले भी यूनिवर्सिटी थी वो एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी, सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों में यूनिवर्सिटी बना, छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर का हमने बनाया। जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। तो इस प्रकार से आप सारे हरियाणा में घूम जाओ, आप एजुकेशन हब बना। अब हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग भी यहाँ पर है, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज भी कई हैं यहाँ पर, हर किस्म से है। तो शुरू में था ये कि एजुकेशन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट जॉब करें, जैसे मैं शुरू में 2005 में जब मेरे को मौका मिला तो मैं गुड़गांव गया, तो वहाँ देखा मैंने कि जो बच्चे काम कर रहे हैं IT उसमें, वो सुबह दिल्ली से आते हैं, शाम को दिल्ली वापस चले जाते हैं। मैंने पूछा भाई हरियाणा के बच्चों को क्यों नहीं लगा रहे, तो उन्होंने कहा जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं है।
तो उसी टाइम मैंने ये देखा था और हमने पूरा प्रयास किया हरियाणा को एजुकेशन हब बनाने का जी। इनके समय में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं आई है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना है। एक पिछले मेरे ख्याल में 7 साल 6 साल से यही सुन रहे हैं कि एम्स रिवाड़ी में एक मंडेटी गांव है वहाँ बनेगा, अब तक तो शुरुआत कुछ हुई नहीं। जब 9 साल में एक इंस्टीट्यूशन, 7 साल में एक इंस्टीट्यूट नहीं बन सकता इनसे, फिर आगे क्या इनसे उम्मीद रख सकते हो? लोगों को जो आशा थी, जो उम्मीद थी, वो ना उम्मीद हो चुके हैं, निराशा में बदल चुके हैं इनसे। तो इस वास्ते तो आपको क्या लगता है, 2 टर्म ये सरकार पूरे करने जा रही है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है आपको लगता है बहुत ज़्यादा? मैं कह रहा हूँ हर वर्ग इससे इनसे विमुख है जी। ना तो किसान को MSP मिलता और ये नए नए ने चला रखे हैं, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं आपका मेरा फसल मेरा ब्यौरा आज के अखबार में है। अकेले हिसार से 27,000 या कितने फेक वो निकले हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। तो इस प्रकार से परिवार पहचान पत्र के उस पर पेंशन कार्ड दी लोगों की, ओल्ड एज पेंशन कट गई बहुतों की और राशन कार्ड कट गए बहुत। तो इस वास्ते इनके जो है ना कोई मतलब अचीवमेंट नहीं कह सकता मैं। ऐसा आदमी हूँ, अच्छी अचीवमेंट होती तो मैं अप्रिशिएट करता, लेकिन आई फेल टू अप्रिशिएट एनी। जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, बावजूद इसके क्यों कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन नहीं तैयार कर पाई? हो रहे हैं, आपने देखते नहीं, आप हरियाणा जाते नहीं, आपको क्या पता? भी मैं जाती हूँ, कल भी नू में था, देखते आप। तो आप जन जागरण जो यात्राएं कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे। पहले हमने विपक्ष आपके समक्ष किया, उस हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमने वहाँ बड़े जलसे किए, फिर आक्रोश रैलियाँ चल रही हैं हमारी, फिर जन मिलन चल रहे हैं, अब जो अभियान जो है हमारा घर घर कांग्रेस के नाम से अभियान चल रहा है। तो हमारे तो बहुत अच्छे और जबरदस्त समर्थन मिल रहा है लोगों से, जबरदस्त। ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्या आपको लगता है BJP को फायदा होगा और कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है? कुछ नहीं, हम तो तैयार हैं, कल की वजह आज कराएं, इकट्ठे कराएं, अलग अलग कराएं, इनका तो सुपड़ा साफ है हरियाणा में। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? चुनाव लड़े हैं, तैयार हैं हम, रणनीति का चुनाव लड़े हैं, हर हिसाब से तैयार हैं हम। और चाहे INLD की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो, तो क्या आप इनके साथ समझौते के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है, ठीक है, लेकिन अभी वो तो स्टेज आई नहीं। लेकिन ये एक पहला अच्छा कदम है जो इंडिया का गठबंधन जिस हिसाब से रूपरेखा आ रही है उसकी, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, जब ही प्रजातंत्र मजबूत होता है। कांग्रेस के पास हरियाणा के लिए क्या नया आइडिया है? सिर्फ कहते हैं ना कि आलोचना करने से बात नहीं होगी, आपको समाधान भी देने होंगे, आप क्या विजन लेके चल रहे हैं हरियाणा के लिए? समाधान दिए ना पहले, जैसे बेरोजगारी अब उस समय से 3 गुना ज़्यादा होगी, ये हमने इंस्टीट्यूट बनाए, IMT लगाई, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, लोगों को रोजगार के हम वो पैदा करेंगे, अवसर पैदा करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। गुटबाजी की अगर बात करूं, कांग्रेस के बीच में जो गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के बीच, तो उसकी वजह से कहते हैं कि आप भी चूक गए। आपकी देन है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो ऐसे गुट माने जाते हैं जो अपना चुनाव भी नहीं जीत पाते, लेकिन वो दावेदार बनते हैं। आप लोग बनाते हैं ना गुटबाजी कोई नहीं, कांग्रेस एक है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वहाँ पे खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं हमारे नेता हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस का जो सामाजिक जनाधार है भाजपा की तुलना में कहते हैं थोड़ा छोटा है, इसे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका रिप्रेजेंट, आपको देख के लोग सोचते हैं कि सिर्फ जाटों की ही आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और तो खट्टा ने बाकी को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया है। ये जाट वर्सेस नॉन जाट कोई वो नहीं है, या तो ये है परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मिंग, हमारी सरकार परफॉर्मर रही है, ये नॉन परफॉर्मिंग है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी नतीजों को अगर हम देखें, तो चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात हो, तो उसमें कांग्रेस की हार से आप क्या चिंतित हैं? आपको लगता है कि हरियाणा पर भी उसका असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा पर असर आपने देखा, हरियाणा का जो हरियाणा के साथ साथ जितने जिले हैं राजस्थान में, वहाँ सब कांग्रेस जीती है, 34 सीटें, 34 में से 29 जीते हैं, ये हरियाणा का असर था। ये संकेत है हरियाणा में मजबूत है, जितने 7 जिले आप वहाँ से गंगानगर से शुरू करो,
34 सीट है वो, 34 में से 29 वहाँ कांग्रेस जीती है। मेरा आखिरी सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईश्वर से ताकत कैसे लेते हैं? आप खुद को आर्य समाजी बोलते हैं ना कि हाँ? आप आर्य समाजी हैं हाँ? तो जो हर इंसान का होता है किसी फेथ में किसी देवता के साथ उसका जुड़ाव होता है, आप एनर्जी कहाँ से लेते हैं? आपने एक बार बताया कि एक बार आपको अचानक से कॉल आया और ये बताया कि आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, वो किस्सा हमें बताएं। वो तो जब ये है बात 98 की जी, मतलब 91 में भी चौधरी देवीलाल मेरे मुकाबले में लड़े थे, मैं जीता था, 96 में भी और 98 में, क्योंकि वोटिंग और काउंटिंग के दिन में काफ़ी थे, तो एक टेलीफोन आया मेरे पास, बोला कौन बोल रहे हैं? भूपेंद्र सिंह, मैं बोल रहा हूँ। माँ आप कौन बोल रहे हैं? बोला मैं करनाल से बोल रहा हूँ। नाम बताया उन्होंने, तो बोला कोई नंबर आप मन में सोचो। तो मेरा टेलीफोन का नंबर भी 2283 था उस टाइम, मेरी गाड़ी का नंबर भी 83 था, तो मैंने सोच के वैसे कहा मैं 383 इतना मेरा कहना, उसने कहा इतने ही से जीतोगे, और काट दिया टेलीफोन और उतने ही से जीता। मैं पता नहीं क्या न्यूमरोलॉजी है क्या है भगवान ने, मैं तो आर्य समाजी हूँ, इन चीज़ों में यकीन करता नहीं, लेकिन ये फैक्ट है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमसे बात करने के लिए, हरियाणा के पूर्व CM और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। थैंक यू।